गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लोपा मुद्रा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आप लोग सब कैसे हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बोलिएगा। तो पहले मैं ये कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो इंडिया से हैं वो बोल रहे थे कि आप जैसे US एक मोस्ट अफेक्टेड ऑफ COVID-19 है, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं डे टू डे लाइफ। मैं बोलना चाहूँगी, हम लोगों का जो भी डेली का यूसेज जैसे वेजिटेबल हो, ग्रोसरी से कुछ भी हो, हम लोग 99.9% ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। 0.1% मतलब कभी जो इनकेस ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, ये मैं बोलना चाहूँगी। और जैसे आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा कि 2 महीने से मैं बस 2 ही बार बाहर गई हूँ, तो इसी से मतलब मैं अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर रही हूँ। आज लोग घर में हैं, और जैसे मैं बोलना चाहूँगी हम लोग इसके ऑस्टिन मतलब सिटी में, तो यहाँ पे 35,000 पीपल अफेक्टेड हुए हैं COVID-19 से, और 1,000 पीपल मतलब दे आर हैविंग लाइक डेथ। तो ये जो ग्राफ है मैंने वाल्डोमीटर से मतलब चेक किया था, जो मैं डेली ही बेसिस में करती हूँ एवरी नाइट, और वहाँ पे जो ग्राफ था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे तो मतलब डर लगता है, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं, और मतलब पूरा सैनिटाइजेशन प्रोसेस मैं दिखाती हूँ, मैं कैसे रेगुलर बेसिस में अपना घर वगैरह क्लीन करती हूँ, या फिर ग्रोसरीज वगैरह जो भी आते हैं वो भी मैं अच्छे तरीके से सब क्लीन करती हूँ। तो जो भी रूल्स जितने भी है COVID-19 का वो सब हम 100% फॉलो कर रहे हैं, और मतलब बाकी भगवान के ऊपर है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये सारा जो कंसर्न है, मैंने सोचा कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि कैसे हैं, तो हाँ मैं ये बोलना चाहूँगी, हाँ हम लोग मतलब लॉकडाउन में, हम लोग तो लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग घर में हैं, कहीं पे भी बाहर नहीं जा रहे। जैसे बच्चों का तो स्कूल पूरा ये ईयर छुट्टी हो गया, जनरली उन लोगों का जून तक रहता है, लेकिन वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि पूरा मतलब छुट्टी है। और हस्बैंड लोगों का भी मतलब वो लोग तो घर से काम करें, अभी तक नोटिस कुछ नहीं आया है कि ऑफिस जाना है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो गवर्नर है, गवर्नर और तो वो बोले हैं कुछ 18 से कुछ शायद खुलेगा, लेकिन वो भी 25% जैसे मतलब जाएंगे पीपल, तो जिम वगैरह या फिर जैसे बार्बर शॉप, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें खुलने वाला है 18 को, लेकिन आई एम नॉट श्योर मतलब वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लेकिन अभी तक तो मतलब सब कुछ मतलब लॉकडाउन में है। बाकी जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह वो तो सब खुला है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ रिटेल शॉप जो है वो शायद खुल गए हैं थोड़े से। तो मतलब वही है ऑस्टिन का मतलब अपडेट। बाकी हम लोग तो घर में हैं, सारा चीज़ मैंने जैसे आपको बोला कि मतलब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो या क्लीनिंग हो तो वो तो सब कर रहे हैं, बाकी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कुछ हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैं बोल रही थी कि आप लोग अगर कुछ डाइट वगैरह फॉलो करें तो ये भी आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आज का ब्लॉग भी समर को ध्यान में रख के किया है, तो फिर पहले मैंने एक फ्रूट सलाद बनाया है और उसके बाद कुछ मॉकटेल ड्रिंक बनाया है। तो पहले चलिए देख लेते हैं फ्रूट सलाद, जो है हेल्दी फ्रूट सलाद विथ लाइम एंड हनी ड्रेसिंग के साथ। ट्रस्ट मी, ये बहुत अमेजिंग है और बहुत मेस्मराइजिंग है, और ये बहुत सूदिंग भी है समर के लिए। जैसे मतलब कभी कभी तेल वगैरह खाने का मन नहीं करता है, या फिर चावल रोटी भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो ये आप मतलब एक नाइट में और हल्का फुल्का कुछ खाना चाहें तो ये फ्रूट सलाद, आई विल टेल यू दिस इज़ द बेस्ट। इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है, और जैसे मैंने इसको ड्रेसिंग किया है लाइम और हनी से, तो उसका टेस्ट मतलब एनहांस हो जाता है और उसका एक डिफरेंट एरोमा भी आता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये फ्रूट सलाद विथ लाइम एंड हनी ड्रेसिंग के साथ। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी फ्रूट सलाद विथ लाइम एंड हनी ड्रेसिंग के साथ, जो है परफेक्ट एक मील प्लान के लिए या परफेक्ट डाइट है, और एक हेल्दी मतलब आप बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट भी है या फिर स्नैक्स भी है आप बोल सकते हैं। हम लोगों को क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो मैंने ग्रेप्स लिए हैं, एक बनाना लिया है, और एक एप्पल लिया है, और कुछ स्ट्रॉबेरीज लिया है, और 5 to 6 मैंने डेट्स लिया है, और 1 लेमन को स्क्वीज करके मैंने इसको जूस लिया है, तो लेमन जूस मैंने 1 लिया है, और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा वाइट पेपर, ये आप अवॉइड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं आपको अगर नहीं चाहिए, और हनी मैंने लिया है जितना हम लोगों को ज़रूरत होगा। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए। तो
चलिए देखते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे प्रिपरेशन करते चलिए हैं। इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और एक सर्विंग स्पून लिया है। तो पहले हम लोग ये बाउल में ये सारे फ्रूट्स हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये फ्रूट सलाद काफ़ी रिफ्रेशिंग और सूदिंग है समर के लिए, तो ये सब देख के मैंने ये सलाद बनाने का मन किया। तो उसके बाद हम ये डेट्स भी डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये बाउल में सारे फ्रूट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं और डेट्स भी। अभी मैं इसका ड्रेसिंग प्रिपरेशन करूँगी। तो ड्रेसिंग के लिए मैंने लिया है एक लेमन का जूस और उसमें मैं डालूँगी हनी। टेस्ट के हिसाब से ये आप डाल सकते हैं, आपको कैसा कम खट्टा चाहिए या ज़्यादा मीठा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून के करीब मैंने हनी लिया है। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ये सिरप को। अभी हम इसके ऊपर ये सर्व कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। पेपर पाउडर है वाइट या फिर ब्लैक सॉल्ट, वो आप डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसको हम जेंटली इसको मिक्स करेंगे सारे फ्रूट्स और ड्रेसिंग को। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको हम निकाल देंगे एक सर्विंग बाउल में। ये बन के रेडी हो गया आपका फ्रूट सलाद विथ लाइम एंड हनी ड्रेसिंग के साथ। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बोलेगा, क्योंकि ये समर के लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत लाइट भी है। आप अगर कुछ डाइट फॉलो करें तो आप ये भी खा सकते हैं अपने डाइट में। करती हूँ आज का फ्रूट सलाद आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो मैं ये बोलूँगी आप एक बार इसको मतलब वीक में प्लान करके मतलब अपनी रेसिपी में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कुछ हल्का फल्का खाने में। खाऊंगी केटो डाइट का एक दो मतलब इंग्रेडिएंट्स या फिर रेसिपीज में बोल सकती हूँ, मैं बाद में शेयर करूँगी। तो फिलहाल मेरे पास कुछ मतलब इंग्रेडिएंट्स नहीं थे केटो का, तो फिर इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। क्योंकि केटो डाइट में भी कभी कभी फॉलो करती हूँ, तो पहले मेरा सब चीज़ में बोल दी थी नॉर्मल था, अभी मतलब अब नॉर्मल हो गया है। क्योंकि कुछ चीज़ें मिलते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलते हैं, और कुछ मतलब टू टाइम्स आ जाते हैं, तो पूरा रूटीन इधर का उधर हो गया है। तो चलिए थोड़ा बहुत मैंने बैलेंसिंग करने के लिए ये सब किया है। तो मैं भी बैलेंस कर रही हूँ अपने लाइफ को और मैं सोच रही हूँ आप लोग भी बैलेंस करेंगे ये सब। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये मॉकटेल, जो कि मतलब बहुत रिफ्रेशिंग और सूदिंग है समर के लिए। जब भी ये समर को ध्यान में रखते हुए, जैसे इंडिया में भी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट में मतलब बारिश भी हो रहा है। तो फिर मैंने ये दोनों जगह का मतलब US और इंडिया का दोनों का गर्मी को देख के ये मॉकटेल मैंने बनाया है, जो है मोहितो ड्रिंक्स, जैसे कि ग्रेप मोहितो, वर्जिन मोहितो और स्ट्रॉबेरी मोहितो। तो मैंने इसको अपने टेस्ट के हिसाब से मतलब कुछ ट्राई किया है, और जनरल मैं ये समर में भी लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग भी ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक मतलब यूज़ कर सकते हैं। और जो वर्जिन मोहितो है, तो वो तो आप जिस भी रेस्टोरेंट में कुछ खाना वगैरह कर जाते हैं, तो लास्ट में ये तो आप जनरली ऑर्डर करते हैं। और अगर ये आप घर में बना के पिए तो इसका क्या बात है। तो चलिए देख लेते हैं मेरा मोहितो ड्रिंक सारे। तो चलिए आज हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं वर्जिन मोहितो। इसके लिए हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा शुगर और मिंट लीव्स और ब्लैक सॉल्ट, ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा सा लेमन जो चाहिए हम लोगों को थोड़ा सा ड्रिंक्स में, और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, और थोड़ा सा आइस क्यूब। आपके पास अगर पाउडर शुगर होगा तो आप ले सकते हैं, मेरे पास ये शुगर है तो मैंने इसको लिया है। तो इसका पहले हम लोग सिरप करेंगे। तो चलिए पहले इसका हम लोग सिरप बना देते हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से मेल्ट। तो इसको हम लोग स्टीयर कर देंगे और ये अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक ग्लास लिया है और 3 to 4 पीसेस ऑफ लेमन मैंने छोटे छोटे पीस में काट के यहाँ पे डाल दिया है। 3 to 4 मिंट लीव्स हम लोग डाल देंगे इसमें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए आप 5 to 6 ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल के लिए 2 to 3 लीव्स ही एनफ है। और थोड़ा सा हम इसमें आइस पोर कर लेंगे।
और एक मडल से इसको अच्छी तरीके से हम मडल कर लेंगे ताकि जो मिंट और जो लेमन है उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। ज़्यादा रिफ्रेशिंग करने के लिए मैंने और दो आइस क्यूब्स डाल दिया है। लोगों ने जो शुगर सिरप बनाया था उसको मैं डाल दूँगी इसमें। और हम लोगों को चाहिए ये सोडा, मेरे पास ये स्वीटेंड वाइट ग्रेप्स का सोडा है, आप चाहे तो प्लेन सोडा भी ले सकते हैं। लेंगे थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, ये एस्केप भी आप कर सकते हैं अगर आपको इसको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो। और फिर हम डाल देंगे ये सोडा और इसको अच्छी तरीके से हम लोग स्टीयर कर देंगे। ये आपका रेडी है वर्जिन मोहितो, ये समर के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और सूदिंग है और बहुत अच्छा लगता है इसको पीने के लिए, तो आप इस तरीके से पी सकते हैं। और इसको हम एक लेमन के स्लाइस से हम लोग एक डेकोरेशन करेंगे। तो ये आपका रेडी है वर्जिन मोहितो। तो अभी हम लोग बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मोहितो ड्रिंक, तो इसके लिए मुझे चाहिए 3 से 4 स्ट्रॉबेरी और थोड़े से मिंट लीव्स और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा शुगर सिरप और 2 लेमन और थोड़ा सा आइस क्यूब और 1 सोडा। इसका प्रिपरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने वही 3 to 4 लेमन का क्यूब्स लिया, 3 to 4 मिंट लीव्स और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी, सारा डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मडल कर लेंगे ताकि मिंट का फ्लेवर स्ट्रॉबेरी में चला जाए। ये हम इसमें शुगर सिरप डाल देंगे और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, 3 to 4 आइस क्यूब और थोड़ा सा सोडा। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। डेकोरेशन के लिए रेस्टोरेंट टाइप का मैंने ये स्ट्रॉबेरी लगा दिया है, परफेक्ट है समर के लिए, रिफ्रेशिंग और सूदिंग भी है। और इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है आप देख सकते हैं। तो ग्रेप्स मोहितो बनाने के लिए हमको चाहिए ग्रेप्स, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और कुछ आइस क्यूब्स और ये सोडा, थोड़ा सा लेमन और शुगर सिरप और मिंट लीव्स। तो चलिए इसका बनाने का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग ले लेंगे 3 to 4 ऑफ लेमन क्यूब्स और ग्रेप्स 10। हम अच्छी तरीके से मडल कर लेंगे ताकि जो ग्रेप्स और लेमन है उसका फ्लेवर इसमें चला जाए। मिंट लीव्स भी इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से मडल कर ले ताकि ये तीनों का फ्लेवर उसमें अच्छी तरीके से चले जाए। में हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा आइस क्यूब में डाल दो, थोड़ा सा शुगर सिरप देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है और फ्लेवर भी, तो ट्रस्ट मी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और ये समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है सूदिंग ड्रिंक्स के लिए। तो ये बन के रेडी हो गया आपका ग्रेप्स मोहितो और इसको रेस्टोरेंट टाइप का करने के लिए मैंने इसमें लगा दिया है 1 लेमन। तो ये बन के रेडी है आपका ग्रेप्स मोहितो। आशा करती हूँ आज का जो मोहितो ड्रिंक या फिर मॉकटेल ड्रिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसको आप समर में ट्राई कर सकते हैं रिफ्रेशिंग या सूदिंग ड्रिंक के हिसाब से, या फिर कभी गेस्ट अगर कुछ आने वाले हैं और आप कुछ खाना बना रहे हैं तो इसके साथ भी सर्व कीजिएगा, तो खाने का और ये ड्रिंक्स का मतलब फ्लेवर अमेजिंग होगा मैं बोल सकती हूँ। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और जो फ्रूट सैलड है वो भी अगर आप कुछ डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं या फिर कभी मतलब कुछ लाइट खाने का भी मन कर रहा है तो ये ड्रेसिंग के साथ आप ले सकते हैं, जैसे लाइम और हनी, तो वो भी बहुत मतलब क्वाइट अमेजिंग ड्रेसिंग है। तो इसको मैंने ट्राई किया है और आप लोगों के साथ शेयर करने का मैंने सोचा, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो आप ये दोनों रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आज आप लोगों को ये वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और जो प्रेस कर दीजिएगा जो बेल आइकन है ताकि जो भी मेरे सारे नए वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए और आप कुछ भी मिस कीजिएगा। और अगर कुछ स्पेशल भी आप लोग जैसे मैं बोलती हूँ देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जैसे कंसर्न थे हम लोग कैसे मतलब फेस कर रहे हैं US में, तो उनके लिए मेरा बिग थैंक यू या बिग नमस्ते मेरे तरफ से, मतलब इतना कंसर्न होने के लिए, जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम टाइम में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो मेरे
मेरे लिए कंसर्न है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आशा कर आज का वीडियो या ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ एक नए वीडियो और नए ब्लॉग लाने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये ट्रस्ट मी, ये मैं बोल सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसको देखने के लिए तैयार रहेगा। नमस्कार, ओम साईं राम।